हेलो एवरीवन, सो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर 5 हम शुरू करते हैं आज. ओके, जो लेक्चर 4 था लास्ट लेक्चर, उसमें हमने देखा था कुछ जो टर्म्स देखे थे उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ट्रू वैल्यू, हमने ट्रू वैल्यू को देखा था. उसके बाद देखा था मेजर्ड वैल्यू, बट इन मेजर्ड वैल्यू वो छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद से देखा था हमने स्टैटिक एरर, है ना, एरर एंड एब्सोल्यूट एरर, उसकी बात हमने देखी थी. इसके बाद हमने देखा था फिर आपके रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, ना रिलेटिव एरर, है ना, परसेंटेज एरर, है ना, एब्सोल्यूट एरर तो हमने देख ही लिया था पिछले स्लाइड पे. उसके बाद हमने देखा था एक्यूरेसी के बारे में, हमने व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन, है ना, प्रिसीजन एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हमने अच्छे से चर्चा किया था. ओके, उसके बाद देखा था हमने कैलिब्रेशन, है ना, ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. उसके बाद से सेंसिटिविटी. ओके, तो यहाँ तक हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, और अभी आज इस लेक्चर में लेक्चर 5 जो है, 5th लेक्चर, उसको हम शुरू करते हैं. हमने क्या है कि सेंसिटिविटी के बारे में एक बात हमने यहाँ पर लिखी है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी इज नोन एज डिफ्लेक्शन फैक्टर और इनवर्स सेंसिटिविटी. ओके, तो जो आपका सेंसिटिविटी है ना, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या बोलते हैं उसके रेसिप्रोकल को, डिफ्लेक्शन फैक्टर या फिर इनवर्स सेंसिटिविटी. ओके, तो अब तक क्या है कि लेक्चर 4 की बात थी, अब लेक्चर 5 पर हम चर्चा करते हैं. एक और क्या है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि टॉर्क बाई वेट रेशियो, है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क बाई वेट रेशियो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए. तो टॉर्क बाई वेट रेशियो होता क्या है, थोड़ी सी, है ना, ताकि हमें बहुत सारी बातें याद ना करना पड़े. ओके, तो टॉर्क बाई वेट रेशियो क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, है ना, आपके जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं. तो मूविंग पार्ट्स जब रोटेट करते हैं तो उसमें क्या है कि फ्रिक्शनल टॉर्क, फ्रिक्शन, है ना, मूविंग पार्ट्स रोटेट होगा तो किसी एक्सिस पर रोटेट होगा, एक्सल पर रोटेट होगा. जब रोटेट होगा तो क्या होगा, वहां पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जनरेट होगा, बिकॉज रोटेशन यानी रिलेटिव मोशन, है ना, आपका क्या होगा, जो सापेक्षिक गति होगी उसके कारण क्या होगा, आपका घर्षण, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा. और फ्रिक्शन के चलते क्या है कि टॉर्क बल आघूर्ण उत्पन्न होता है. और ये टॉर्क जो है ना आपका अवांछनीय है और अनवांटेड है, है ना, ये टॉर्क नहीं होना चाहिए था, है ना. अब दिक्कत कहाँ आती है, मान के लिए ये टॉर्क जो है ना आपका सिग्निफिकेंट है. ओके, तो अब तक आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो ऑपरेटिंग टॉर्क है, जो ड्राइविंग टॉर्क है, ना, तीनों एक ही बात है, डिफ्लेक्टिंग, ऑपरेटिंग एंड ड्राइविंग. तो ये इस टॉर्क पे जो आपका फ्रिक्शनल टॉर्क है ना, वो थोड़ा सा इस टॉर्क को प्रभावित कर सकता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रभावित कर सकता है. तो क्या है कि हमारा जो मशीन है ना, मशीन का फ्रिक्शनल टॉर्क, है ना, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट का फ्रिक्शनल टॉर्क कम से कम होना चाहिए. और ये फ्रिक्शनल टॉर्क जो है ना आपका, ये जो मूविंग पार्ट्स हैं इंस्ट्रूमेंट के, उसके वेट के समानुपाती होता है. जितने ज्यादा आपके मूविंग पार्ट्स का वेट होगा, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल टॉर्क होगा. ओके, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आपकी इस बात की संभावना होगी कि फ्रिक्शनल टॉर्क जो है ना आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रभावित करेगा. तो यहाँ पर कुछ बातें हमने लिखी हैं, इतनी बातें हमने चर्चा कर ली, अब थोड़ी जो हमने लिखी उसको पढ़ भी लेते हैं. हमने क्या लिखा, हियर टॉर्क इज, मीन्स यहाँ पर जो हमने टॉर्क लिखा है इसके बारे में लिखना है. ये टॉर्क क्या है आपका, कौन सा टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, है ना, मीन्स जो रेशियो हम बोलते हैं ना टॉर्क बाई वेट रेशियो, इसमें टॉर्क क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और वेट क्या होता है, भाई मूविंग पार्ट्स जो होते हैं ना उनका वेट, है ना. रेशियो ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टू द वेट ऑफ द मूविंग पार्ट्स, है ना, इज नोन एज टॉर्क बाई वेट रेशियो. द टॉर्क इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. फ्रिक्शनल टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ओके, हमने अभी इसकी बात चर्चा की, जो फ्रिक्शनल टॉर्क होगा, जो अनवांटेड टॉर्क है, वो क्या है आपका, जो इंस्ट्रूमेंट का जो मूविंग पार्ट्स है उनके वेट के समानुपाती होता है, है ना. फ्रिक्शनल टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ मूविंग पार्ट्स, इसी बात को लिखा, फॉर बेटर परफॉर्मेंस. अगर मशीन की क्या है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या है कि आपका जो फ्रिक्शनल टॉर्क है ना, ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए इन कंपैरिजन विथ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के सामने या उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो फ्रिक्शनल टॉर्क क्या है, बहुत ही छोटा होना चाहिए. और चूंकि फ्रिक्शनल टॉर्क जो है ना आपका किसके समानुपाती होता है, भाई वेट के, मूविंग पार्ट्स के वेट के समानुपाती होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका मूविंग पार्ट्स का वेट जो है ना, वो भी बहुत कम होना चाहिए. हल्के से हल्के मूविंग पार्ट्स लगाना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में. और क्या है कि आपका जो टॉर्क, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, उसके समानुपाती चूंकि आपका फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, जो रेशियो आपका टॉर्क का, कौन सा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, और ये किसका, वेट का, इसका भाई जो मूविंग पार्ट्स उनके वेट का, ये रेशियो क्या होना चाहिए आपका, बहुत ज्यादा होना चाहिए. तभी तो क्या है कि इस टॉर्क के समान, ये रेशियो अगर बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है कि वेट जो है ना, वेट आपका क्या होगा,
वेट आपका टॉर्क के कंपैरिजन में यहाँ पर है ना, इस वेट के कंपैरिजन में अगर इश्यू ज्यादा होगा इससे क्या हमारा मतलब, हम इसको कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि इस वेट के चलते है ना, इस वेट के चलते जो आपका फ्रिक्शन टॉर्क हुआ है ना वो इस टॉर्क से काफी कम है ना, क्योंकि आपका ये रेशियो क्या है ज्यादा है, क्यों, क्योंकि देखिए वो जो फ्रिक्शन टॉर्क है वो इसके समानुपाती है ना, फ्रिक्शन टॉर्क क्या इसके समानुपाती है, ये रेशियो ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन टॉर्क जो है ना आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के समानुपाती है, बहुत कम है, इसका मतलब मशीन का परफॉर्मेंस क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम क्या यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना चाहिए वो क्या है, आप देखिए आपका हेंस हायर टॉर्क बाय वेट रेशियो इज बेटर, ओके, तो क्या है कि फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट हायर टॉर्क बाय वेट रेशियो इज प्रेफरेबल और बेटर, ओके, ठीक है, ऐसा मशीन को बनाते हैं जहां की मूविंग पार्ट्स जो है ना हल्के से हल्के हों, तभी तो टॉर्क बाय वेट रेशियो ज्यादा होगा है ना, और मशीन क्या करेगी हमारा बेटर परफॉर्म करेगी, ओके, तो ये क्या है हमारा टॉर्क बाय वेट रेशियो के बारे में हमने चर्चा कर लिया। इसके बाद से देखिए हम देखते हैं भाई टाइप्स ऑफ एरर्स है ना, टाइप्स ऑफ एरर्स, देखिए एरर्स के बारे में हमने यहाँ पर एक फिगर बना रखा है, ओके, इसमें क्या है, देखिए एरर को हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया, एक तो क्या आपका ग्रॉस एरर्स, दूसरे क्या है सिस्टमेटिक एरर्स, और तीसरे क्या है रेंडम एरर्स, ओके, ग्रॉस, सिस्टमेटिक एंड रेंडम, और जो सिस्टमेटिक एरर है ना उसको हमने फर्दर तीन टाइप में हमने यहाँ पर लिख रखा है, एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, दूसरे क्या आपके इन्वायरमेंटल एरर्स है ना, इन्वायरमेंटल एरर्स है ना, और तीसरे क्या आपके ऑब्जर्वेशनल एरर्स, तीसरे क्या ऑब्जर्वेशनल एरर्स, ओके, और जो आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है ना इनको फिर से हमने तीन पार्ट में तीन टाइप्स में यहाँ पर लिख रखा है, एक जो आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है ना वो किसके कारण हो सकते हैं, ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या है कि अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कोई ना कोई कमी है इसके चलते भी आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। दूसरी बात क्या है, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए कोई अगर व्यक्ति जो है ना जो इंस्ट्रूमेंटर है ना, जो आपका एक्सपेरिमेंटर है, जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, अगर वो नौसिखिया है उसको बहुत ज्यादा मीन्स क्या है कि इंस्ट्रूमेंट को का उपयोग करने का या मेजरमेंट करने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, तो वो भी क्या है कि इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से आपका उपयोग नहीं करेगा और कुछ मिसयूज करेगा उसका, उसके चलते भी कुछ एरर आ सकते हैं, ओके, और तीसरा क्या आपका लोडिंग इफेक्ट्स है ना, ये लोडिंग इफेक्ट्स, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है उसके तीन हमारे जो टाइप्स हैं है ना, तीन हमारे जो इंस्ट्रूमेंटल एरर के कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं, वो क्या होता है, एक तो क्या है ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन इंस्ट्रूमेंट, मशीन में अंतः कमियों के कारण, दूसरा का आपका मशीन का जो है ना इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसका हमने दुरुपयोग कर दिया, सदुपयोग नहीं किया, अच्छा से उपयोग नहीं किया, तीसरा क्या हमारा लोडिंग इफेक्ट्स है ना, लोडिंग इफेक्ट्स। तो देखिए एरर एरर को हमने क्या ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर्स, ठीक है ना, जहां पर सिस्टमेटिक एरर के तीन टाइप है हमारे, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनल, और जो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर है इसके तीन कारण है आपके ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन इंस्ट्रूमेंट्स, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड लोडिंग इफेक्ट्स, ओके। तो देखिए एक एक करके क्या है कि हमारा पहले तो हम इन तीनों को देखते हैं है ना, क्योंकि यही क्या आपके इन तीनों को देखेंगे तो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर कवर हो जाएगा, ठीक, उसके बाद से क्या आपका एनवायरमेंटल एरर देखेंगे, फिर ऑब्जर्वेशनल एरर देखेंगे, फिर हमारा रैंडम एरर देखेंगे कि क्या होते हैं, ओके। तो हम चलिए शुरू करते हैं आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के बारे में। देखिए ग्रॉस एरर, यस, पहला टाइप तो क्या ग्रॉस एरर था, ग्रॉस एरर कहते किसको है, ठीक है, ग्रॉस एरर के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो ग्रॉस एरर वो है जो एक आपका बहुत ही स्किल्ड एक्सपेरिमेंटर भी अगर क्या है ना गलती कर दे, क्योंकि देखिए हम ऐसा नहीं कह सकते मनुष्य कभी परफेक्ट पूर्ण नहीं हो सकता, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है ना वो भी क्या है कि कभी कभी है ना किसी प्रकार का गलती कर सकता है, और ये गलती जो है ना आपका कोई सर्टेन फिक्स पैटर्न का नहीं है, पता चला कि नहीं कुछ रीडिंग लेने में गलती कर दिया है ना, रीड करने में गलती कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने रिकॉर्डिंग जो मैंने लिखे ना उसी में कुछ गलती कर दिया, ऐसे भी तो एरर आ सकते हैं कि नहीं है ना, या फिर क्या है आपका जो कैलकुलेशन है ना कैलकुलेशन किया तब गलती कर दिया, ठीक, वो भले ही आपका स्किल है या फिर अनस्किल्ड है, ये एरर जो है ना आपका जिसको हम ग्रॉस एरर बोल रहे हैं, ये एरर इस प्रकार का एरर है कि मतलब इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि किस प्रकार से हो जाएगा है ना, और आपसे बता रहा हूं किस प्रकार का हो जाएगा, ठीक, हो सकता है कि रीडिंग लेने में ये एरर हो जाए, ठीक, और ये कहना आपका जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है ना वो व्यक्ति भी एरर कर सकता है, बहुत एक्सपीरियंस जो आपका एक्सपेरिमेंटर है वो भी एरर कर सकता है, जैसे बोला जाता है ना कि बुढ़ापा में कुछ कुछ गलतियां हो जाती है, ओके, वैसे ही क्या है कि कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है, और जो क्या है ना आपका हमने अगर ये बात मान लिया कि एक्सपेरिमेंटर बहुत ही स्किल्ड है, इंस्ट्रूमेंट हमारा बहुत ही परफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक, और वातावरण जो है ना बिल्कुल आपका अनुकूल है मेजरमेंट के, है ना कि आपके क्या है कि बिल्कुल अनुकूल है, इन सब के बाद भी अगर कुछ आपका अनसर्टेन अनिश्चित प्रकार के जो एरर आ सकते हैं किसके रीडिंग में
या फिर क्या है कि आपका रिकॉर्डिंग में या फिर क्या आपका कैलकुलेशन में, मेजरमेंट के कैलकुलेशन में, इन प्रकार के एरर को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर। ओके, इन प्रकार के एरर को क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर, क्योंकि इनका कोई पैटर्न नहीं होता है ना, ये कब किस प्रकार से हो जाए और किस व्यक्ति से हो जाए, स्किल्ड आपका जो है ना एक्सपेरिमेंटर उससे भी हो सकते हैं। तो देखिए इनके बारे में हमने क्या लिखा है, दिस क्लास ऑफ एरर कवर्स ह्यूमन मिस्टेक्स इन रीडिंग रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेशन। ठीक है ना, ये जो है ना आपका ह्यूमन मिस्टेक्स को कवर करता है ये एरर। ठीक है ना, ये जो आपके ह्यूमन मिस्टेक्स कौन कौन से रीडिंग में, रिकॉर्डिंग में या फिर कैलकुलेशन में होते हैं ना, और भी तरह तरह के एरर जो आप कह सकते हैं, जो क्या है कि आपके, हम और भी इसके बाद एरर की चर्चा करेंगे है ना, उन सब एरर के बाद भी जो आपका अनिश्चित प्रकार के एरर हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस एरर बोलेंगे। ठीक है ना, ये आपके समझने के लिए मैं बात बोल रहा हूं। ठीक, जहां तक क्या है कि आपके एग्जाम में लिखने की अगर बात हो तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, दिस क्लास ऑफ एरर कवर्स ह्यूमन मिस्टेक्स इन रीडिंग रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेशन। ठीक है ना, ग्रॉस एरर कैन बी अवॉइडेड बाई अडॉप्टिंग टू मीन्स, है ना, दो प्रकार के हमारे, दो प्रकार से क्या है कि हम ग्रॉस एरर को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है ना, उससे हम बच सकते हैं। वो क्या है? ग्रेट केयर शुड बी टेकन इन रीडिंग द एंड रीडिंग इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ग्रेट केयर शुड बी टेकन इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग है ना, जब हम रीड और रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल, बहुत सावधानी से करें, और यह सावधानी एक स्किल्ड जो एक्सपेरिमेंटर है ना उसको भी रखनी चाहिए। ओके, और दूसरी क्या आपका, फिर या हम क्या करें कि हम दो दो बार रीडिंग ले, तीन बार रीडिंग ले, देखें कि बार बार वहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, क्योंकि बार बार तो मिस्टेक करेंगे नहीं, एक तो सावधान रहे और बार बार लें, टू थ्री और इवन मोर रीडिंग्स शुड बी टेकन, है ना, दो तीन या उससे भी ज्यादा रीडिंग हम ले, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि बेहतर तो ये भी होगा कि नहीं, हमने एक बार रीडिंग ले ली, एक बार अपने कलीग से रीडिंग, ठीक, वो भी रीडिंग लेके देख ले, कोई जरूरी तो नहीं है कि जो मैं मिस्टेक कर रहा हूं वो मिस्टेक वो भी करेगा, एक्सपेरिमेंटर ही बदल दे। ठीक, तो ये प्रकार के जो है ना, ये हमारे तरीके से, इन तरीकों से क्या है कि हम जो ग्रॉस एरर है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा एरर का हमारा टाइप था वो क्या था? सिस्टमेटिक एरर। हमने एक्चुअली एरर को तीन पार्ट में, पहले तीन पार्ट में डिवाइड किया था। पहला हमारा क्या था? पहला पार्ट जो हमारा था वो क्या था? ग्रॉस, दूसरा सिस्टमेटिक, तीसरा रैंडम। और आज जो सिस्टमेटिक एरर के तीन पार्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनल, उसमें मेनली फोकस करेंगे किस पे? इंस्ट्रूमेंटल एरर पे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरर है और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स पे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने ग्रॉस एरर की चर्चा कर ली, अब सिस्टमेटिक एरर की चर्चा करते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर की चर्चा करते हुए क्या है कि तीनों प्रकार के जो एरर है हमारे, जो कॉजेज है हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के, ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन इंस्ट्रूमेंट, है ना, जो आपके इंस्ट्रूमेंट में अंत, जो आपके कुछ कमियां हैं उनके कारण, या फिर इंस्ट्रूमेंट के दुरुपयोग के कारण, जो दूसरा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के दुरुपयोग के कारण, ठीक है, या फिर तीसरा आपका लोडिंग इफेक्ट, इनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो हमने क्या है कि अभी देख लिया ग्रॉस एरर, इसके बाद से चलिए हम देखते हैं आपका सिस्टमेटिक एरर, जिसके तीन प्रकार है हमारे, तीन प्रकार हैं सिस्टमेटिक के। कौन कौन से हैं भाई आपके? एक तो इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा क्या आपका ऑब्जर्वेशनल, और तीसरा क्या है एनवायरमेंटल, है ना। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका जो सिस्टमेटिक एरर है, इसका जो पहला प्रकार है इंस्ट्रूमेंटल, इसकी हम बात करते हैं, है ना। पहला प्रकार सिस्टमेटिक का, जो पहला प्रकार है इंस्ट्रूमेंटल, इसकी बात करते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इसके जो तीन कारण हमने चर्चा किए थे लास्ट पिक्चर में, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर के तीन कारण कौन कौन से हैं, एक तो क्या है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसके अंदर कुछ, उसके अंदर ही है ना अंत आपके कुछ कमियां आ जाए, है ना, कुछ खामी हो इंस्ट्रूमेंट में, है ना। और दूसरा क्या था हमारा, हमने बोला था मिसयूज, उसका क्या करें, हम प्रॉपर उपयोग ना करें, प्रॉपर तरीके से हम क्या है कि भाई हम मेजरमेंट ना करें, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग ना करें। और तीसरा क्या था, लोडिंग इफेक्ट, है ना। तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंटल एरर का जो पहला कारण है, एरर्स ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग इन इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स में आंतरिक जो कुछ कमियां होती हैं उनके कारण जो एरर होते हैं, है ना, उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए अब इनके कॉजेज कौन कौन से हैं, ये जो एरर होते हैं हमारे कौन से, इंस्ट्रूमेंटल एरर के जो पहला कारण है, और क्या हो सकते हैं कॉजेज ऑफ इनहेरेंट इन शॉर्टकमिंग्स इन इंस्ट्रूमेंट आर, जो आपके इंस्ट्रूमेंट में जो कुछ कमियां आ सकती हैं, आ जाती हैं, वो कैसे आ जाती हैं, इसकी बात हम थोड़ी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि जब हमने इंस्ट्रूमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हुई है उस समय ही कुछ उसमें कमी हो, है ना, आपने जब नया उसको परचेज किया, इवन नया परचेज किया और टेस्टिंग भी हुई, सब कुछ हुई, इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट में कमी हो, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा, जब हमने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया था, है ना, ये भी पार्ट ऑफ, दिस इज द कैलिब्रेशन इज द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना, कैलिब्रेशन का मैंने चर्चा लास्ट लेक्चर में किया था कि किसी इंस्ट्रूमेंट को जब डेवलप करते हैं तो उसके परफॉर्मेंस को एक
एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस से हमें क्या करना है, कंपेयर करना पड़ता है, और अकॉर्डिंगली हमें क्या है कि आपका जो नया इंस्ट्रूमेंट जिसको डेवलप कर रहे हैं उसको मॉडिफाई भी करना पड़ता है अगर आवश्यकता पड़ता है तो। अगर उसका परफॉर्मेंस मैच कर जा रहा है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से तो किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ साथ क्या है कि कैलिब्रेशन हम क्या है कि आपके इंस्ट्रूमेंट के स्केल को भी हम डेवलप करते हैं, ठीक। तो यहां भी अगर कुछ कमी हो तो भी क्या है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में आपके आंतरिक कुछ कमी आ सकती है, ये भी आपके क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर का कॉज हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना, कैलिब्रेशनल फॉल्ट और एजिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट आपका अगर बहुत पुराना हो गया, पता चला उसका जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने वाला स्प्रिंग था ना, वो स्प्रिंग लूज हो गया है ना, और भी तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बहुत पुराना हो जाता है, ठीक। तो पता चला हमने भी पीएमसी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो परमानेंट मैग्नेट है ना उसमें कुछ कमी आ गई है ना, जितना उस परमानेंट मैग्नेट को जितने स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड है ना उत्पन्न करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, ठीक, बिकॉज ऑफ एजिंग है ना, और भी तरह तरह के फैक्टर। तो बिकॉज ऑफ एजिंग भी क्या है कि आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अस्थायी रूप से अंतः कमियां आ सकती हैं। उसके बाद एक और क्या, आपका शॉर्टकमिंग्स इन इंस्ट्रूमेंट मे कम आल्सो बिकॉज ऑफ मिसहैंडलिंग है ना। आपका इंस्ट्रूमेंट सब प्रकार से अच्छा है, ठीक, नया इंस्ट्रूमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी नहीं है, कैलिब्रेशनल फॉल्ट भी नहीं है, नई इंस्ट्रूमेंट है, कोई एजिंग इफेक्ट नहीं है, हो सकता है कि आपने कभी उसको क्या है कि प्रॉपर हैंडल नहीं किया, कुछ टूट फूट गया अंदर, अगली बार क्या है उसका जो मेजरमेंट है वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक, समझवा रहे कि नहीं। ये भी तो कॉज हो सकता है आपके आपके इंस्ट्रूमेंट के इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स का, ठीक। तो देखिए ये तो क्या हो गया, पहला कारण हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर का, ठीक। जो हमारे सिस्टमेटिक एरर का पहला टाइप था इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसका पहला कॉज क्या है कि इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन इंस्ट्रूमेंट, ये हमने देखा। उसके बाद क्या है, दूसरा कॉज क्या हो सकता है आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर का, वो मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, देखिए मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना का बात यहां पर से हमें यह समझना चाहिए कि अगर पता चला कि नहीं इंस्ट्रूमेंट जो है ना, मेजरमेंट जो है ना, परफॉर्म कौन कर रहा है, अनस्किल्ड पर्सन परफॉर्म कर रहा है, नौ शिक्षा परफॉर्म कर रहा है, भाई मिस्टेक तो क्या है कि नौ शिक्षा भी कर सकता है, नया भी व्यक्ति कर सकता है, बिल्कुल स्किल्ड व्यक्ति ने अगर मिस्टेक किया, ठीक, या फिर वो मिस्टेक हमें पता ही नहीं कि कब कैसा हो जाए, क्योंकि परफेक्ट जो बिल्कुल परफेक्ट पर्सन होता ना वो भी कुछ ना कुछ मिस्टेक तो कर ही देता है। वो मिस्टेक क्या होंगे आपके, किस प्रकार के होंगे, ग्रॉस एरर्स में आएंगे, ठीक। लेकिन यहां पर अगर ऐसा है कि नहीं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, देयर इज नो एनी आपका होता इन शॉर्टकमिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट है ना, और उसके बाद से क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंटर है, जो आपका एक्सपेरिमेंटर है, एक्सपेरिमेंटर ने क्या है कि आपका इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली यूज नहीं किया, तो उसके चलते भी तो कुछ आपका एरर आ सकता है ना। उस एरर के बारे में देखिए हमने यहाँ पर चर्चा किया है कि मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक, यहां पर अ गुड इंस्ट्रूमेंट यूज इन अनइंटेलिजेंट वे में गिव एरर्स है ना। एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट को भी अगर क्या है कि हमने अनइंटेलिजेंट वे से इस्तेमाल किया, ठीक, तो क्या है कि वो एरर प्रोवाइड कर सकता है। जैसे अब देखिए जो अनइंटेलिजेंट वे जिसको हम बोल रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं इम्प्रॉपर यूज, वो क्या है कि मिस्टेक इन एडजस्टिंग जीरो ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब हम इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म, जब मेजरमेंट परफॉर्म करने गए तो इंस्ट्रूमेंट है ना जीरो को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के पहले जीरो को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, इसको हमने इंश्योर किया कि नहीं। हो सकता है नौसिखिया व्यक्ति इसको इंश्योर करे ही नहीं, है ना, उसके अंदर पहले से कुछ ना कुछ आपके रेसिड्यूअल आपके रीडिंग्स हो, ठीक, रेसिड्यूअल कुछ रीडिंग्स हो, पहले पिछले तो आपका रीडिंग उसने लिया था उसका कुछ ना कुछ अंश हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी कॉज होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। दूसरा क्या है आपका पुअर इनिशियल एडजस्टमेंट, जो आपके प्रारंभिक जो आपके एडजस्टमेंट होते हैं ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के, वहां भी क्या है कि आपका पुअर है ना, कमजोर आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है, वहां भी कुछ कमियां आ सकती हैं। उसके बाद से क्या आपके पुअर कनेक्शंस, जो कनेक्शन नहीं किया गया वो भी अच्छा नहीं किया गया, ये सब नौसिखिए लोग व्यक्ति जो है ना एक्सपेरिमेंटर है ना वो कर सकता है। एक जो स्किल्ड है उससे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती वो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार का जो मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना इसको अवॉइड करने के लिए आपसे बता रहा हूँ कि स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। देखिए ग्रॉस एरर को अवॉइड करने के लिए आपसे बता रहा हूँ कि आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं मेरे से मिस्टेक ही नहीं होगा, भले ही आप चाहे जितने भी स्किल्ड हो, स्किल्ड होने के बावजूद भी मिस्टेक कब किससे क्या हो जाए कुछ कह ही नहीं सकते हैं। इसलिए क्या है वहां पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा है ना। वहां पर क्या है कि मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया तो अगर तो एक बार दो बार और करना चाहिए, या फिर क्या है कि किसी हमारे कलीग से करवाना चाहिए, दूसरे एक्सपेरिमेंटर से करवाना चाहिए, ये सब ग्रॉस एरर की बात हो गई। हाँ, ये जो मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना इसको हम क्या है कि रिमूव कर सकते हैं, कैसे, हम स्किल्ड डेवलप करके। अगर एक स्किल्ड पर्सन है तो हो सकता है कि इस प्रकार का आपका आप जो एरर्स जो है ना एक्सपेरिमेंट में ना आए, है ना, ये जो आपके वो इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर यूज करे, कोई मिसयूज ना करे, है ना। तो क्या आपका जो यहाँ पर जो सिस्टमेटिक एरर का जो टाइप है आपका है ना एक्सपेरिमेंटल एरर,
है ना, आपका उसका जो ये कॉज है, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना, ये अवॉइड किया जा सकता है स्किल को डेवलप करके, ठीक है ना। स्किल्ड होने के बाद भी एरर जो होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन एरर, सॉरी ग्रॉस एरर। तो बेटा ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो हमने क्या क्या बात की है, पुअर कनेक्शन हो सकता है भाई, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या सकता है, एक तो क्या है कि जीरो को एडजस्ट नहीं किया प्रॉपर तरीके से, इनिशियल जो है ना एडजस्टमेंट वो ठीक से नहीं हुआ, कनेक्शन जो है ना वो पुअर हुए, उसके साथ साथ क्या है कि आपके जो लीड्स है ना, जो कनेक्टिंग लीड्स है ना, वो भी प्रॉपर तरीके के नहीं लगाया है ना, ज्यादा रेजिस्टेंस के लगा दिए है ना, इम्प्रॉपर है ना, जिस प्रकार का लगना चाहिए, जिस जितनी एक सुटेबल जिसको हम बोलेंगे लीड कनेक्टिंग लीड्स, वो ना लगा करके किसी प्रकार के कनेक्टिंग लीड्स लगा दिया, ठीक है। ये सभी प्रकार जो और भी तरह तरह के क्या है कि यहाँ पर एक नौशिखिया अनस्किल्ड पर्सन जो है ना, आपका जो मिस्टेक कर सकता है ना, सभी आपके इंस्ट्रूमेंट के परफेक्ट होने के बाद भी इस प्रकार के जो मिस्टेक आएंगे किसी अनस्किल्ड एक्सपेरिमेंटर के द्वारा, उस सभी को क्या बोलेंगे, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। तो देखिए ये भी कॉज होता है आपका आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर का। इसके बाद से देखिए लोडिंग इफेक्ट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना आपका टॉपिक है ना फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर लोडिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, लोडिंग इफेक्ट देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम बिना इंस्ट्रूमेंट के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर नहीं सकते, ये बात सच्चाई है, हम इतने हमारी सक्षमता इतनी नहीं होती है कि हम मेजरमेंट को बिना इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्म करेंगे, ये पहली बात है। दूसरी बात कि जब हम इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेने जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट का जो प्रेजेंस है ना, उपस्थिति है ना मेजरमेंट के लिए, ये प्रेजेंस ही कहीं ना कहीं जो मेजरमेंट जो रीडिंग है ना आपकी नॉन क्वांटिटी जिसको हमें मेजर करना है उसको कुछ प्रभावित कर देती है इसकी उपस्थिति भाई। जैसे कि हमने क्या है कि आपका इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट बिना क्या उसके मेजरमेंट जो है ना बिना इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्म हो नहीं सकता, और जब इंस्ट्रूमेंट का हमने इस्तेमाल किया तो इंस्ट्रूमेंट ने कुछ ना कुछ प्रभाव वहां डाल दिया, अब प्रभाव इस प्रकार से प्रभाव डाला तो उसके प्रभाव से क्या हुआ, जो रीडिंग है ना थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये जो इफेक्ट है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट से ये नहीं समझना चाहिए कि लोड का प्रभाव नहीं, इंस्ट्रूमेंट का प्रभाव है ना, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमें मेजरमेंट करना है ना, उस इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट पर जो प्रभाव है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट। इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो लिखे यहां पर क्या लिखा, प्रैक्टिकली व्हेन वी यूज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, ओके। जिस सिस्टम के किसी खास पैरामीटर को, किसी खास सिग्नल को है ना, किसी खास आपकी क्वांटिटी को हमें मेजर करना है ना, जब उस सिस्टम में हम क्या करते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, सिस्टम से कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रॉ करता है, और इस एनर्जी को जो ड्रॉ करता है तो क्या है कि सिस्टम का परफॉर्मेंस प्रभावित होता है, इस प्रकार से क्या आपका मेजरमेंट प्रभावित होता है, इसी बात को हमने यहाँ पर चर्चा किया है। हमने क्या लिखा, प्रैक्टिकली व्हेन वी यूज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम एंड हेंस डिस्टोर्ट द सिग्नल टू बी मेजर्ड। सिग्नल टू बी मेजर्ड का मतलब क्या है कि जिस राशि को, सिग्नल में जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना है ना, उसका मेजरमेंट जो है ना प्रभावित हो जाता है, ओके। हमने क्या है कि इस बात को, लोडिंग इफेक्ट को एक न्यूमेरिकल लेकर के समझने का प्रयास किया है, और यहाँ पर न्यूमेरिकल लेने का एक और इंटेंशन ये भी है, क्योंकि हम आपका जो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या है कि इसी न्यूमेरिकल के बहाने है ना, आपको एक क्या है कि जो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम कैसे अटैक करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, हम उसको क्या है कि आराम आराम से सीखेंगे है ना, ताकि सबको है ना, सबको समझ में आ जाए, ओके बेटा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक, क्वेश्चन क्या है, अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस आरएम इक्वल्स टू 100 किलो ओम। अब आपको मैं बता दूं, यहां पर आपको पहले से ही पता होगा, अगर एक वोल्ट मीटर है तो आइडियली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आइडियली द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी इन्फिनिटी। एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियली, और प्रैक्टिकली अगर इन्फिनिटी नहीं है तो बहुत ज्यादा होना चाहिए है ना, तभी क्या करेगा वो आपके, उसका लोडिंग इफेक्ट कम से कम होगा। अब लोडिंग इफेक्ट होता क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कह सुन के, लेकिन थोड़ी सी क्या न्यूमेरिकल्स और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। आप बस यहाँ पर ये याद रखिए कि आइडियली जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जिससे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी आइडियली, बट प्रैक्टिकली इन्फिनिटी तो होगा नहीं, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसका इन्फिनिटी नहीं होना, प्रैक्टिकली इसका इन्फिनिटी नहीं होना किस प्रकार से एरर को इंसर्ट करता है, एरर को लाता है, उसको इस बात को न्यूमेरिकल से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमने क्या मान लिया, वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस आरएम इक्वल्स टू 100 किलो ओम। नाउ देखिए द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज टू बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। एक लोड है ना, उसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है ना वोल्ट मीटर से हमें मेजर करना है।
कैलकुलेट द एरर ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट. अब लोडिंग इफेक्ट के चलते जो एरर क्या आएगा उसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ये न्यूमेरिकल बोल रहा है. देखिए हमने क्या लिखा है, वी हैव आरएम इक्वल्स टू 100 किलो ओम. आरएम क्या आपका रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर, वोल्ट मीटर. आरएम एम लिख रखा ना, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर. नाउ दिस रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज इक्वल टू 100 किलो ओम. ये बात हमने लिखी. अब देखिए धीरे धीरे क्या है कि हम उस सर्किट को देखते हैं जिस सर्किट के लोड का के अक्रॉस हमें वोल्टेज को मेजर करना है. तो देखिए यहां पर ये सर्किट है, यहां पर ये सर्किट है. पहले हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू क्या है, थियोरेटिकल वैल्यू. तो देखिए यहां पर क्या है कि ट्रू वैल्यू हम इसका देखते हैं कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस है ना आपका ट्रू वोल्टेज है ना विदाउट इंजर्शन ऑफ वोल्ट मीटर क्या है ना. ये चूंकि देखिए हम यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं, बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए क्या है ट्रू वैल्यू भी हमने खुद से बता दिया. अदरवाइज ट्रू वैल्यू पता नहीं होता. वास्तु के जो मेजरमेंट होते हैं आपके जो लेबोरेटरीज में, वहां पर ट्रू वैल्यू पता नहीं होता. अगर ट्रू वैल्यू पता ही होता तो हम मेजरमेंट क्यों करते और एरर क्यों, आपका एरर से क्यों भाई हम उलझते और संघर्ष करते है ना, एक्यूरेसी के लिए क्यों प्रयास करते. तो वहां पर पता नहीं होता है. यहां पर हमने क्या है कि आपका ये न्यूमेरिकल ठीक के बहाने समझने का प्रयास कर रहे हैं. लोडिंग इफेक्ट हमने क्या लिखा, कंसिडर द सर्किट विदाउट वोल्ट मीटर. हमने ये जो सर्किट है ना इसको बिना वोल्ट मीटर के हमने यहाँ पर ऐसा हमारा सर्किट है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं. अब देखिए इस सर्किट में ये आपका लोड रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस वोल्टेज हमें मेजर करना है. तो चलिए इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं सर्किट को. आपके जो बेसिक सर्किट एनालिसिस होता है उसके आधार पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि ये वीएल किसके बराबर आएगा. तो देखिए यहाँ पर इस सर्किट को देखेंगे ना आपका, तो यहाँ पर जो आप केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पर केवीएल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई इंटू आर, ठीक है इस प्रकार से, प्लस आई इंटू आर एल माइनस ई. आएंगे कि नहीं भाई, यहां से प्लस आएगा ड्रॉप, फिर ड्रॉप, यहां से राइज हो गया आपका, माइनस ई इक्वल टू जीरो. तो यहां से देखिए आई आपका कॉमन आ जाएगा, आर प्लस आर एल इक्वल टू ई, और यहां से क्या आपका आई कितना आ गया बेटा, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर एल, और ई कितना आपका 24 वोल्ट, कितना आपका 24 वोल्ट, और R कितना है भाई आपका R 20 और आर एल कितना है 100, तो कितना आ गया 24 डिवाइडेड बाई 120 एम्पियर, इसका यूनिट आएगा क्योंकि करंट हम मेजर कर रहे हैं. तो ये हमारा कितना आ गया भाई, ये हमारा आ गया 0.2 एम्पियर जो हमने यहाँ लिख रखा है. देखिए हमने पूरी कैलकुलेशन करके हमने करंट को मेजर कर लिया. ठीक, अब करंट मेजर कर लिया, हमें क्या करना है, ये वोल्टेज मेजर करना है. पता है कि नहीं ये वोल्टेज किसके क्रॉस है, आर एल के क्रॉस है, और आर एल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई. भाई VL किसके बराबर हो जाएगा, VL हो जाएगा IRL. VL किसके बराबर हो जाएगा IRL. I कितना 0.2 और आपका RL कितना है 100, ठीक वोल्ट 100. इसकी V के यूनिट तो वोल्ट ही आएगी ना, इसलिए मैंने फाइनली वोल्ट लिख दिया है. तो हमारा VL कितना आ जाएगा 20 वोल्ट. VL कितना आ जाएगा बेटा 20 वोल्ट. ओके, मीन्स हमारा ये सर्किट जो है ना, इस सर्किट में लोड का जो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस जिसको हमने लोड रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया हमारा 20 वोल्ट. ठीक, हमने ट्रू वैल्यू यहां पर निकाल लिया है ना, ट्रू वैल्यू निकाल लिया. ठीक, क्योंकि हमने यहां पर इसको बिना आपके वोल्ट मीटर की सहायता से निकाला, आपका थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन है, हमने यहां पर कर लिया. ठीक, अब देखिए क्या है कि हम इसी ये जो आपका जो लोड रेजिस्टेंस है ना, इसके क्रॉस का वोल्टेज हम किसकी सहायता से, वोल्ट मीटर की सहायता से मेजर करने का प्रयास करते हैं. ठीक है, और आप इसी बहाने ये भी देखेंगे कि हम वोल्ट मीटर से जब मेजर करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल करके, उसको भी समझना जरूरी है यहाँ पर. ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या माना, कंसीडर सर्किट विद वोल्ट मीटर. ये तो क्या हमने पहले माना था, सर्किट विद विदाउट वोल्ट मीटर, यहाँ पर विद वोल्ट मीटर. अब सेम सर्किट हमने यहाँ पर लिख रखा है, हमने क्या कर रखा है कि जहां पर हमें जिस वोल्टेज, जिस कंपोनेंट है ना आर एल, कंपोनेंट मीन आर एल के अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया. तो वोल्ट मीटर की एक जो आपका लीड है ना, एक जो आपका टर्मिनल यहां लगाया, दूसरा टर्मिनल हमने यहां लगाया, वोल्ट मीटर क्या हो गया आरएल के पैरेलल हमारा यहां पर इंसर्ट हो गया. ठीक है, अब न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, यहां पर न्यूमेरिकल करने के लिए क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को रिप्लेस कर देते हैं इसके रेजिस्टेंस से. हमने एग्जैक्टली सेम सर्किट को यहां पर बनाया, आपके ई हो गया, यहां पर आर हो गया, आरएल हो गया, और वोल्ट मीटर को रिप्लेस कर दिया इसके आरएम से. ठीक है, यहां पर रिप्लेस कर दिया. अब देखिए इस केस में चूंकि आपका जो वोल्टेज होगा ना लोड का, ये थोड़ा प्रभावित होगा, इसलिए हमने इस यहाँ पर वोल्टेज का नाम क्या लिख दिया, VL डैश, और यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम क्या दिया हमने, I डैश. अब थोड़ी सी सर्किट को हमने फिर यहाँ से सॉल्व कर ली. कैसे सॉल्व कर ली, चूंकि RL और RM आपके क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमारा
इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन आर एल प्लस वन अपॉन आर एम, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर एल इंटू आर एम डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर एम। ओके, तो हम इसको जब, यही हमने यहां लिख रखा है, इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा जो यहां पर ये जो इसका ना, ये आपका इसका रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, इसका रेजिस्टेंस हमारा आ गया 99.9 ओम, 99.9 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, इसी सर्किट को हमने फिर यहां बना लिया है ना, यहां बनाया तो देखिए हमने आर लिखा इसको, और इस दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने यहां पर आर इक्विवेलेंट लिख दिया। ठीक, आर इक्विवेलेंट लिखने के बाद से फिर हमने क्या, यहां पर जैसे यहां पर केवीएल लगाया था कि नहीं हमने, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वैसा लगा करके यहां पर क्या है कि हमने आई डैश निकाला था, आई डैश कितना आ गया, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट, आई डैश यहां पर निकाला हमने, आई डैश इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट, वैल्यूज पुट किया हमने, आई डैश इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट, आर कितना है 20 और ये कितना 99.9, तो कितना आ गया 119.9। ठीक, और इसको जब हम कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आ गया, यहां पर आई डैश कितना आ गया 0.20017 एम्पीयर, 0.20017 एम्पीयर। आप क्या है कि कैलकुलेशन में साथ साथ करते रहिए ताकि आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग में बैठ जाए। अब देखिए ये जब हमने निकाल लिया तो हमें क्या निकालना है भाई, लोड का ही तो, लोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है ना। देखिए लोड के अक्रॉस वोल्टेज बोलिए या फिर वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज मिलिए बोलिए, चूंकि दोनों पैरेलल में है तो बात बराबर है ना। वोल्टमीटर क्या करता है, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करता है जो कि उसके खुद के अक्रॉस होता है, क्योंकि वो क्या होता है उसके पैरेलल होता है। ये वोल्टेज भी कितना आपका VL ही तो है, VL डैश ही तो है, जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज उतना इसके अक्रॉस वोल्टेज और उतना इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज, यहां पर इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज। तो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, कॉम्बिनेशन के थ्रू करंट इनटू कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, तो कितना आई डैश इंटू आर इक्विवेलेंट, आई डैश इंटू आर इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा आपका जो वो वोल्टेज होगा जिसको वोल्टमीटर मेजर करेगा, है ना, क्योंकि वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है। तो देखिए हमने वीएल डैश इसको लिखा, वीएल डैश कितना हो जाएगा, आई डैश इंटू आर इक्विवेलेंट, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना, आई डैश इतना है और आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, आर इक्विवेलेंट इतना आ गया, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 19.997, जबकि देखिए यहां पर इसका ट्रू वैल्यू कितना आ रहा है 20 वोल्ट, ट्रू वैल्यू कितना आ रहा है 20 वोल्ट, ट्रू वैल्यू कितना आ रहा है इसका 20 वोल्ट, और इसका मेजर वैल्यू कितना आ रहा है आपका 19.997 वोल्ट। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर आपने देखा कि यहां पर क्या है, जो वोल्टमीटर का प्रेजेंस है, क्योंकि वोल्टमीटर का कुछ ना कुछ यहां पर फाइनाइट रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट नहीं है, सीमित रेजिस्टेंस है, अनंत रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसने क्या किया, कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ कर लिया, यहां पर करंट ड्रॉ कर लिया, मींस एनर्जी ड्रॉ किया, जो कि हम बोल रहे थे नहीं, वो क्या करता है कि जिस सिस्टम में लगता है ना आपका इंस्ट्रूमेंट, उस सिस्टम से क्या कुछ एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, खींचता है, यहां पर करंट खींचा, जब खींचा तो इसने क्या है कि यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा था पहले उसको प्रभावित कर दिया, तो यहां रेजिस्टेंस, यहां इसके वोल्टेज क्या आ गया, कम आ गया, पहले 20 वोल्ट आ रहा था तो यहां पर कितना आ गया 19.997 वोल्ट आ गया। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर हम एरर, चूंकि हमारा उद्देश्य इस क्वेश्चन में यह था कि एरर कैलकुलेट करना, तो देखिए हमारा जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू इसको हम क्या लिखते हैं, वीटी किसके बराबर है, वीटी बराबर वीएल, हमने ऑलरेडी मान रखा था विदाउट वोल्ट मीटर के सर्किट में 20 वोल्ट आया था, मेजर्ड वैल्यू वीएम इक्वल्स टू वीएल डैश इक्वल्स टू 19.997 वोल्ट, तो एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो वीएम माइनस वीटी, वीएम इज वीएल डैश, वीटी इज वीएल, तो कितना आएगा -0.003 वोल्ट। फॉर्चुनेटली यहां पर जो एरर आया ना बहुत ही कम आया है। अब देखिए यहां पर रिलेटिव एरर क्या आएगा, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, दिस डिवाइडेड बाय 20, ट्रू वैल्यू कितना आपका 20, तो ये आपका एरर कितना आ गया -0.00015 पर यूनिट, कुछ नहीं लिखा मतलब कि किसमें है आपका, ये पर यूनिट में है, और इसी को परसेंटेज एरर में कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर इनटू 100, 100 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका एरर, कितना आ गया परसेंटेज एरर, कितना आ गया -0.015%, -0.015%, -0.015% का एक परसेंटेज एरर यहां पर आया है ना। वैसे भी जब भी हम क्या है कि एरर की जब बात करते हैं तो परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर की ही बात करते हैं, उसी को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एब्सोल्यूट एरर जो है ना का खास महत्व नहीं है, क्योंकि विशेष आपका इंफॉर्मेशन जो है ना एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताता है ना, और क्यों नहीं बताता, हमने लास्ट लेक्चर में उसको देखा था, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो देखिए एरर ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट यहां पर कितना आ गया, एरर ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट कितना आ गया हमारा, ईआर रिलेटिव एरर इक्वल्स टू -0.00015 और -0.015
0.15%। ये जो एरर आया ना, ये क्या क्यों आया? बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के चलते। अगर मान चलिए हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होता, आइडियल। हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होता, आइडियल। आइडियल होता तो उसका आर एम कितना होता, इन्फिनिटी। ठीक, आर एम इन्फिनिटी होता तो हमारा सर्किट कैसा होता, आर। और यहां पर क्या होता बेटा, यहां पर हो जाता आपका आर एल, और यहां पर क्या हो जाता आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स ओपन सर्किटेड, है ना, इन्फिनिटी मीन्स ओपन सर्किटेड। ठीक, और आपका सर्किट ऐसा होता उस केस में, जब आपके यहां पर वोल्ट मीटर की का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता, इसको हम ओपन सर्किटेड लिखते, तो यहां पर करंट क्या कोई ड्रॉ करता, नहीं करता। जब करंट ड्रॉ ही नहीं करता तो फिर क्या है कि आपका जो आई एल डैश जो आता ना, वो क्या है कि आई डैश के बराबर ही तो आता। ठीक है, यहां पर जो आपका अगर हमारा वोल्ट मीटर जो है ना आइडियल हो जाए तो कहां कोई करंट ड्रॉ करेगा। लेकिन आइडियल कहने सुनने की बात है, आइडियल तो होता नहीं कुछ प्रैक्टिकली। हम ये आइडियल हरदम आइडियल को हम चेस करते हैं, आइडियल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं भाई, अच्छे बनते रहे। ये बात अलग है कि मरने के दिन तक अच्छे नहीं बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम आइडियल को फॉलो नहीं करें। आइडियल को फॉलो करेंगे तभी तो अच्छा बनेंगे, है ना। इसलिए आइडियल को फॉलो तो करना चाहिए, लेकिन आइडियल तो आइडियल होता है भाई, आइडियल प्रैक्टिकल थोड़ी होता है। ठीक है, तो हम क्या है कि कोई इंस्ट्रूमेंट आपका आइडियल होता नहीं। हम जब आपका मेजरमेंट जब करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ लोडिंग इफेक्ट तो होगा ही। ठीक, लेकिन हम मान के चलिए किताब के भाषा में और कल्पना करें कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या आइडियल होता, तो इंस्ट्रूमेंट आइडियल होता तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता, आर एम इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होता तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दिस आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी ओम इज इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मीन इतना ज्यादा यहाँ रेजिस्टेंस है कि खुली सर्किट है, ना आपका एयर ओपन सर्किट। समझ आ रहा है कि नहीं, ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो जाए कहां कोई करंट ड्रॉ करेगा, जब करंट ही ड्रॉ नहीं करेगा। ये आपका मेजरमेंट आइडियल मेजरमेंट होगा, जब करंट ही ड्रॉ नहीं करेगा ये, फिर क्या दिक्कत है, तब इसने एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं, फिर एरर क्यों आएगा, कोई लोडिंग इफेक्ट होगा ही नहीं। लेकिन ये सब क्या कहने सुनने की बात है, ये सब आइडियल बातें हैं, प्रैक्टिकली ऐसी नहीं होती। प्रैक्टिकली क्या है कि वो उसका रेजिस्टेंस जो है ना फाइनाइट होता है, अनंत नहीं होता, इनफाइनाइट नहीं होता। वो क्या करता है कि करंट ड्रॉ करता है, जब करंट ड्रॉ करता है, एनर्जी ड्रॉ करता है, तो आपके मेजरमेंट को प्रभावित करता है। दिस इज नोन एज लोडिंग इफेक्ट। आई होप आपको लोडिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है कि हमारा जो ये फिगर था जिसमें हम क्या है कि हमने तरह तरह के एरर्स के बारे में चर्चा किया था, उसको एक बार फिर से देखते हैं। देखिए हमने क्या है कि एरर्स में ग्रॉस नल एरर देख लिया, सिस्टमेटिक एरर का जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं कि जो कॉजेज होते हैं ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन इंस्ट्रूमेंट या फिर मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लोडिंग इफेक्ट, इसको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा ना हमारा, उसमें देखेंगे एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, रैंडम एरर्स, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो एरर जो आपके जो एरर्स के जो है ना मेजरमेंट एरर्स इन मेजरमेंट के जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे दो तीन क्लास में। दो क्लास में आई होप क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से हम एरर को हम पढ़ लेंगे। और इसके बाद से क्या है कि दो तीन चार क्लास के बाद बेटा हम PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से क्या है कि हम अपने आपका जो मेजरमेंट एंड मेजरिंग सिस्टम का जो सिलेबस है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से अगर अभी भी कर रहे हैं, प्रयास अभी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि आपको ज्यादा मजा आने लगेगा। क्यों ज्यादा मजा आने लगेगा, क्योंकि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ना बेटा, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को क्या लगता होगा कि यार ये बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जो मेरा अनुभव है भाई, ये भले ही आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं लग रही हो, लेकिन ये जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा, आपको उधर की बातें समझ में नहीं आएंगी, है ना। इससे डायरेक्ट इस तरह से कहा जा सकता है कि डायरेक्टली आपके महत्वपूर्ण नहीं है, इनडायरेक्टली महत्वपूर्ण है। कैसे, इनके बिना उधर का काम होगा नहीं, उधर का काम पढ़ने के लिए इनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या है कि ये सब जो हमारे लेक्चर्स है ना, अगर आप क्या है कि बिल्कुल आप अपने फ्रेश माइंड में इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम थके माइंड से, है ना, जब आप दूसरे किसी सिलेबस को पढ़ के थक जाएं, उस परिस्थिति में, उस स्थिति में जो आपके हमने मेजरमेंट एंड मेजरिंग सिस्टम के जो पांचवा लेक्चर हमारा हो रहा है, ये पांचवें लेक्चर तक के जितने लेक्चर्स हैं ना, ये आप ऐसे ही क्या है कि अगर फ्रेश माइंड में आप दूसरा कुछ पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो इनको क्या है कि आप जब थक जा रहे हो शाम के समय में, रात के समय में, है ना, सोने के एक घंटा पहले, इस सबको क्या है सब सिर्फ सुन लीजिए। सिर्फ सुन लेने से आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आ जाएंगी कि आपको आगे जो हम पढ़ेंगे ना, जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो क्या है कि आपको उसमें मजा आने लगेगा। ठीक है बेटा, तो देखिए आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, टेक केयर।